तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोक करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स को। आप चाहे तो इसमें बाद में फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज, पाइनएप्पल या फ्रेश फ्रूट, जो भी आपके ग्रेप्स आपको लेना चाहें। बाकी घर में मेरे जो अवेलेबल है या फिर नॉर्मली सबके घर में रहता है, तो वो मैंने ली है दो कलर की टूटी फ्रूटीज। ये रेड चेरी, फ्रोजन चेरी है ये, किशमिश जिनको मैंने साबुत नहीं रखा है, छोटे टुकड़ों में कट किया है, बादाम, पिस्ता, काजू और खजूर। इसके बदले आप इनके साथ साथ अखरोट या फिर अंजीर, ये सब चीज़ें, ब्लूबेरी, जितनी वैरायटी अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो इतनी भी सफिशियंट है। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगी सोक, और इसके लिए मैं इसको डालूँगी एक ग्लास में। यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो हाफ के जी के प्लम केक की रेसिपी के लिए लिया है, तो मैंने इसलिए इसकी क्वांटिटी नहीं बताई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना चाहते हैं उतना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और ये मैं नॉन अल्कोहलिक बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ ये ऑरेंज स्क्वैश। इसको हम पूरा फुल कर देंगे ऊपर तक, ताकि जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें सोक हो जाए। और इसमें मैं साथ में डालने वाली हूँ 1/8 TSP दालचीनी पाउडर, 4 से 5 लौंग जिसको मैंने बारीक कूट लिया है, उसका पाउडर अच्छे से बना लें क्योंकि वो दांत में अगर उसके पीस आएंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, और 1/8 TSP अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो आप जिंजर पाउडर यूज़ करें, अगर जिंजर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे फ्रेश जिंजर यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है, हम इसको ज़्यादा देर तक सोक नहीं करने वाले हैं, तो आप इसमें फ्रेश जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिनिमम हमें इसे 2 घंटा तो सोक करना ही करना है, पर आप इसको 2 घंटे से ज़्यादा भी, 5-6 घंटे या फिर 1 से 1.5 दिन इतना ही इसको सोक करें, उससे ज़्यादा सोक ना करें वरना इसमें स्मेल ना आ जाए कहीं। और अगर आप इसमें ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है या फिर आप जो उसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे अच्छे से चॉप करके, उसमें आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का रम यूज़ करें या फिर बियर, और उसको आपको कम से कम 25 डेज के लिए सोक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश फ्रूट लिया, सॉरी जो ऑरेंज का जूस है ये मैंने फ्रेश यूज़ नहीं किया है, तो आप फ्रेश यूज़ ना करें, उससे भी टेस्ट थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो जो प्रिजर्वेटिव वाले जूस आते हैं आप उसको यूज़ करें, और मैं इसको अब 3 से 4 घंटा सोक करने के लिए रखूँगी ढक के, और उसके बाद हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स को सोक किए हुए, अब हम इसके आगे की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन में लूँगी 1/2 कप घी। आप इस 1/2 कप घी के बदले 1/2 कप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क, और इन दोनों को अब बहुत अच्छे से हमें फेट लेना है। आप यहाँ पे हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर भी। तो ये देखिए कंडेंस मिल्क और घी जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम मिलाएंगे 1/4 कप दही। दही फ्रिज का ठंडा ना ले, उसको यूज़ करने से पहले आप फ्रिज से निकाल के बाहर रख ले। अगर दही बहुत ठंडी होगी या फिर खट्टी होगी तो आपका केक फूलेगा नहीं या फिर बहुत डेंस बनेगा, और इसको भी हम अब एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दही भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने सोक किए थे उसको हम छान लेंगे, और इनको छान के हम हमारे इस बैटर में मिक्स करेंगे।
अब इसमें ज़्यादा जूस बचा नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ ड्राई फ्रूट्स ने सोक कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। और अब इसमें हम मिलाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 2 कप मैदा। यहाँ पे मैदा वाला जो कप है मेरा वो दही घी इन सबसे गीला हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेजर करके 2 कप निकाल के रखा था। इसमें अब हम मिलाएंगे 1 TSP और 1/8 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप मिल्क और 1 टीस्पून कोको पाउडर और अब इसको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लें। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से मैंने इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं डालूंगी 7 इंच के केक टिन में। इसको अच्छे से टैप कर ले। और इसको मैं 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूंगी 170 डिग्री पे। और जब तक मैं ये बैटर रेडी कर रही थी 170 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था। तो मैं आपको 30 मिनट बाद दिखाती हूँ ये कैसा बेक हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 40 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।